सुबह हो गई, रात भर फुल धिंगाना मजा किया। बाप रे, ये बहुत हालत खराब हो गई। इधर पूरा बदन दर्द दे रहा है, नाच नाच के रात भर बहुत डांस किया हम लोग ने। बहुत अच्छा फार्म हाउस है ये। और एक्चुअली फार्म हाउस के जो ओनर है ना, तो वो तो उससे भी अच्छे। इतने डाउन टू अर्थ आदमी है ना, क्या बोलूँ आपको। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, फिर भी थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं। हम लोग के साथ ही बैठे, पार्टी किया, खाना खाए, खुद खाना बनाए हम लोग के साथ, क्या बोले। हैट्स ऑफ भी। वो सुबह सुबह निकल गए, नहीं तो उनको मिला था मैं। बाकी आप फार्म हाउस देखिए कितना अच्छा है, पूरा प्लेस उनका ही है। गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से घर के लिए। बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ही एंजॉय हो गया यहाँ पे। पूरी जगह एक ही बंदे की है, और इतना डाउन टू अर्थ आदमी मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं बंदे को, थोड़ा भी। पूरा 12 एकड़ का फार्म हाउस है इनका। पूरी जगह हमारे लिए खाना बनाया, इतना बड़ा आदमी होके भी हमारे लिए खाना बनाया। हम लोग तो बाहर जा रहे थे ऑर्डर देने के लिए, बना के दे दो। वो बोले नहीं नहीं रुको, मैं ही बना के देता हूँ, क्यों बाहर जाने का। उनका गेट और मेन रोड के जस्ट बाजू में ही है। तो देखो ये रोड चालू हो गया, मुरबाड़ रोड। We'll be right back.
जस्ट हम लोग ने सील फाटा क्रॉस किया है, एज ऑलवेज सील फाटा का ट्रैफिक। हम लोग वहाँ पे एक्चुअली रुकने वाले थे थोड़ी देर और शाम तक डैम घूमने वाले थे, बट क्या करें अभी एक एमरजेंसी आ गया तो फटाफट निकलना पड़ा। बाकी के सब बंदे तो आगे निकल गए, हम लोग दोनों ही पीछे रह गए। अभी हम लोग पूरा वो समेट के आ रहे थे ना पीछे से साफ करके थोड़ा। अभी और ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, एक तो पहले से थके हुए, नींद नहीं हुआ, ऊपर से इतना ट्रैफिक मिल जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। ये रोड बहुत अच्छा है, ऐसे टाइम में अच्छा है, शाम को आया तो फिर शाम को इधर इतनी ट्रैफिक। कल तो हम लोग एक जगह पे गाड़ी खड़ी करके बैठ गए। इतना ट्रैफिक है, हिल रही नहीं थी गाड़ी, एक गाड़ी नहीं हिल रही थी। 15 से 20 मिनट हम लोग जगह से हिले नहीं, इतना ट्रैफिक। ऐसे कैसे चलाते लोग, कट मारते समय इंडिकेटर नहीं देते, कुछ नहीं। अभी क्या आ गए हम लोग घनसोली पहुंच जाएंगे, अभी महापे में है। चलिए मेरे भाई को घनसोली में ड्रॉप करूंगा, फिर वहां से आगे निकलूंगा चेंबूर के लिए। पहले तो ये रोड बहुत खराब था, अभी तो बना दिया इन लोग ने, फिर भी बीच बीच में थोड़े पैचेस खराब है ही। अभी भी रोड में खड्डे नहीं, डायरेक्ट स्विमिंग पूल थे। एक ऐसा बाईपास रोड पड़ता है ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक एनी टाइम रहता है। जो बाहर से गाड़ी आती है तो मुंबई स्किप करके यहाँ से ही जाती है। और यहाँ पे अभी रेसिडेंशियल एरिया बहुत बन गए, लाइक